हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 11th से, जिसमें केमिस्ट्री कंपलसरी हो, उसके ऊपर आपको एक जो है क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको जरूर मिलेगा। अच्छे से मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा, लास्ट तक जाते वक्त मैं इस टॉपिक को इतना क्लियर कर दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। टॉपिक का नाम है संकरण। नॉर्मली कॉम्पिटिशन एग्जाम, संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उन कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक ही सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है, और वो है या तो संकरण या ज्यामिति। किसी यौगिक का संकरण क्या है या उस यौगिक की ज्यामिति क्या है। तो देखिए, एकदम सिंपल सा तरीका है संकरण निकालने का। संकरण निकालने के लिए आप क्या करें, आप किसी भी यौगिक में संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात कर ले। ये संकरित कक्षकों की संख्या आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उस यौगिक में उपस्थित सिग्मा बंध कितने हैं, यानी कि सिग्मा बंध की संख्या, और उस यौगिक में उपस्थित पाई बंध, और उस यौगिक में उपस्थित लोन पेयर की संख्या। पाई बंध को संकरण में नहीं गिना जाता है, क्योंकि पाई बंध जो है वो दिशात्मक बंध नहीं होता, और संकरण जो है वो केवल दिशात्मक बंधों का गुण है। इसलिए पाई बंध को अपन संकरण में इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको केवल ये करना है, किसी भी यौगिक में उसके केंद्रीय परमाणु के पास कितने सिग्मा बंध हैं और उसके पास में कितने लोन पेयर है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जो संख्या आपके पास बनेगी उसको अपन कहेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि संकरित कक्षकों की संख्या। अगर ये संकरित कक्षकों की संख्या आपको दो प्राप्त हो तो आपका संकरण होगा sp। अगर ये संख्या आपको तीन प्राप्त हो तो संकरण होगा sp2। अगर ये संख्या आपको चार प्राप्त हो तो संकरण होगा sp3। अगर ये संख्या पांच प्राप्त हो तो संकरण होगा sp3d। और अगर ये संख्या छह प्राप्त हो तो संकरण होगा sp3d2। और अगर ये संख्या सात प्राप्त हो तो संकरण होगा sp3d3। ध्यान रहे, मैंने अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों के संकरण को सम्मिलित नहीं किया है। केवल नॉर्मल जो सहसंयोजक बंधों से बंधित यौगिक है उनका संकरण अपन इस सिंपल और इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आप उस यौगिक में सिग्मा बंध और लोन पेयर। मैं इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, किसी भी यौगिक में आपको अगर कह दे कि उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है केंद्रीय परमाणु पर, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास न लिखें, है ना। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की जगह पे आप एकदम सिंपल ट्रिकी डायरेक्टली उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अपन को पता है कि बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनके ऊपर का जो नंबर है वो नंबर ही इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। जैसे बोरॉन थर्ड, कार्बन फोर, नाइट्रोजन फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इसका मतलब नियोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आठ। अब नियोन ही नहीं, इसके नीचे जो भी आएगा उस सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ होगी। जैसे कि नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन आठ है। वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन छह होंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पांच होगी। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार होगी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन होगी। अगर आपको इतना ज्ञान है तो अब आप देखें संकरण को बड़ी आसान और सिंपल तरीके से अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखें, जैसे अपना कोई एक यौगिक है, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि CH4 में कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए, तो CH4 मतलब कार्बन,
केंद्रीय परमाणु और कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं चार इलेक्ट्रॉन। चार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है जो एक बंध बनाता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि चार इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन को दे देंगे तो चार सिग्मा बंध बनेंगे। हाइड्रोजन एक संयोजी होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे तो चार सिग्मा बंध बनेंगे और कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो लोन पेयर। और चार सिग्मा बंध जीरो लोन पेयर का मतलब हो गया टोटल चार संकरित कक्षक, और चार संकरित कक्षक से संकरण बनेगा sp3। कोई भी कंपाउंड जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे कि clf3 में क्लोरीन का संकरण क्या होगा, अब clf3 में क्लोरीन यानी कि हेलोजन और बाह्यतम कोश में, अभी मैंने आपको जैसे बताया संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या सात होती है, सात में से फ्लोरीन को दिए तीन, तो तीन बने सिग्मा बंध, पीछे बच गए चार, चार का मतलब दो लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन युग्म, तो दो लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म, टोटल हो गए पांच, पांच का मतलब संकरण बना sp3t। इस तरीके से, इस ट्रिक से आप सेकेंड्स में जो है संकरण को आराम से ज्ञात कर सकते हो। जैसे XeF4 में जिनोन का संकरण क्या होगा, XeF4 तो जिनोन एक अक्रिय गैस है, यानी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आठ में से फ्लोरीन को चार दिए तो चार सिग्मा बंध बन गए, पीछे चार बचे तो चार का मतलब दो लोन पेयर, चार सिग्मा बंध दो लोन पेयर टोटल छह, छह का मतलब हुआ sp3d2। बड़ा आसान और सिंपल तरीका है ना। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, XeO3। नाउ थोड़ा अब आप कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ऑक्सीजन वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिनोन के पास होते हैं बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ये द्विसंयोजी होता है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है मतलब डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा और एक बंध क्या होगा, पाई बंध होगा, एक सिग्मा एक पाई, आपको पाई बंध नहीं गिनना है, केवल सिग्मा बंध गिनना है, लेकिन एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो जिनोन के पास है आठ, आठ में से तीन ऑक्सीजन ले गए छह इलेक्ट्रॉन, हर ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्योंकि द्विबंध बनाता है। अब जिनोन के पास बचे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक लोन पेयर, अब जो छह इलेक्ट्रॉन गए उनमें से तीन सिग्मा बने और तीन पाई बने, आपको पाई को नहीं गिनना है, तो केवल सिग्मा, तीन सिग्मा बंध और एक लोन पेयर, टोटल चार, चार का मतलब हो गया sp3। इस तरह से XeO3 में संकरण होगा sp3। अब बने रहिएगा, मैं आपको ज्यामिति निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप किसी भी यौगिक की ज्यामिति को भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और लेके देता हूं, XeF6 में जिनोन का संकरण क्या होगा, XeF6 में जिनोन, जिनोन के पास वही वापस से आठ इलेक्ट्रॉन, आठ में से फ्लोरीन ले गया छह इलेक्ट्रॉन, तो छह बन गए सिग्मा बंध, पीछे बचे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, छह और एक सात, सात से कौन सा संकरण बनता है, sp3d3। तो इस तरीके से अपन आराम से और इजी तरीके से जो है संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे नंबर सिक्स, कुछ भी एग्जांपल जो भी आपकी इच्छा करे, XSF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। अब सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने कि ऑक्सीजन में होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन, छह में से चार फ्लोरीन को दिए तो चार सिग्मा बंध, पीछे बच गया दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन का युग्म, मतलब कि एक लोन पेयर, तो चार और एक पांच, पांच से बना sp3t। इस तरह से अपन आराम से और इजी तरीके से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ज्यामिति कैसे निर्धारित होती है, किस तरीके से आप ये बता सकते हो कि XeF6 जो है वो विकृत अष्टफलकीय है, या SF4 जो है वो सीसो संरचना रखता है, या के शेप रखता है, है ना, XeO3 जो है वो पिरामिडल है। अब इनको भी आपको रटना नहीं है, मैं इनके लिए भी आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं।